सो पहली बात इस नूतन पीढ़ी के लिए मुझे ये बतलानी आवश्यक लगती है कि सबसे पहले अपने परिवार को संवारने का प्रयास करो। अपने परिवार को संवारने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम के मार्ग पर नहीं जाना पड़े। अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन जाए। हो ऐसा गया मित्रों कि विलासिता की होड़ में हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते जा रहे हैं। अभी जो फिट एंड रन की केसेस पुणे में हुई हम देखते हैं, यह हमारे समाज का अत्यंत विदारक चित्र है, बहुत भोंडा चित्र है। व्यसनों में डूब करके हम लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। व्यसनों से दूर रहिए, कर्तव्य परायण बनिए, विधर्मी गुंडों से बच करके रहिए और समाज में किसी भी प्रकार लड़ाई झगड़े का वातावरण नहीं होगा। संप्रदाय को लेकर के, भाषा को लेकर के, पूजा पद्धति को लेकर के अथवा राजकीय पक्षों को लेकर के भी नहीं होगा। ऐसा एक रस समाज निर्माण करने में सहयोग दीजिए। इसमें युवकों की भूमिका अत्यंत श्रेष्ठ होगी यदि वे अपने सामने छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद का आदर्श रखेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।